नमस्ते, सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडल पेपर इंग्लिश का। इंग्लिश कंपलसरी का जो मॉडल पेपर है, ये अपना पहला मॉडल पेपर है और इस पहले मॉडल पेपर का पहला भाग हम लेकर के आए हैं आपके लिए, और इसमें हम ग्रामर सेक्शन जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो ग्रामर सेक्शन में देखिए किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है। मैं यहाँ पर आपको आंसर बताता हूँ और ये जो आंसर है, ठीक है, ये मैं आपको साथ में बताता रहूँगा, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। रिटर्न आंसर वहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रश्न यहाँ पे देखिए दूसरा है, जैसे लिखा हुआ है कि कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में यहाँ पे देखिए जैसे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे दैट दिया हुआ है, यहाँ पे वैन लिखा हुआ है, तो इनको यूज करके आपको इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, जोड़ना है। कंबाइन का मतलब होता है, पहला लिखा हुआ है कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, और दूसरा सेंटेंस है इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, ये एकमात्र समाधान है और इसको सभी के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, दैट का यूज करके इसे कंबाइन करेंगे। देखिए कई तरीके हो सकते हैं, इसके अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग तरीकों से हम इसे कंबाइन कर सकते हैं। मैं आपको बेस्ट जो तरीका होता है वो बताऊंगा। तो आप इसे क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। अब यहाँ पर आपको ईट हटा देना है, ये जो ईट है इसको हटाना है, और साथ ही साथ ये जो फुल स्टॉप है इसे भी हटा देना है। इस फुल स्टॉप को और ईट को आप दोनों को हटा देंगे और दोनों के बीच में लगा देंगे दैट। तो फिर से मैं बोल देता हूं, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, मतलब दो सेंटेंसेस को मिला करके आपको एक सेंटेंस बनाना है, और एक सेंटेंस बनाते हैं तो इसे दैट से जोड़ना है और फुल स्टॉप और इट दोनों को यहां से हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका कंप्लीट सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है कि द पीरियड मेक्स अस वाइज, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है वी फेस एडवर्सिटी देन। तो यहां पर भी दो सेंटेंसेस हैं और इन दोनों को आपको कंबाइन करना है, जोड़ना है वैन का प्रयोग करके। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आप इसे, मैंने बताया ना कई तरीके हो सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा तरीके जितने हो सकते हैं इनको कंबाइन करने के वो सारे देखेंगे। तो एक तरीका ये है, आप ये इस तरीके से जोड़ेंगे कि द पीरियड मेक्स अस वाइज वैन वी फेस एडवर्सिटी। अब देखिए यहां पर देन हट जाएगा और वैन का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, वाइज और वी के बीच में हम यूज करेंगे वैन, और यहाँ से फुल स्टॉप हमें हटा देना है। ये जो पीरियड है, ये जो फुल स्टॉप है इसे हम हटा देंगे, है ना, इसे फुल स्टॉप भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं। ये फुल स्टॉप हम यहाँ से हटाएंगे और यूज करेंगे वैन का। तो एक बार फिर से बता देता हूँ, जब वैन यहाँ पर लगा देंगे, आप यहाँ पर कर्सर देख रहे हैं, यहाँ पर हम वैन का यूज करेंगे, तो ये जो देन है इस देन को आपको यहाँ से हटा देना है। एक बार फिर से मैं आपको वापस रिपीट करता हूँ, लिखेंगे कि द पीरियड मेक्स अस वाइज When we face adversity, मतलब जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं तो वो समय हमें बुद्धिमान बना देता है। ओके, इस तरीके से। दूसरा ये भी होता है, आप इस तरीके से भी इसे, दूसरा तरीका मैं बताता हूं, लिखा है कि द पीरियड, है ना, वो समय, वेन वी फेस एडवर्सिटी, यहां पे आप भी कहेंगे द पीरियड वेन वी फेस एडवर्सिटी मेक्स अस वाइज, आप इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। दोनों तरीके एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, पहले तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि द पीरियड मेक्स अस वाइज वेन वी फेस एडवर्सिटी, और दूसरा है कि द पीरियड कॉमा करके लिखेंगे द पीरियड वेन वी फेस एडवर्सिटी, एक बार फिर से कॉमा, और फिर लिखेंगे मेक्स अस वाइज फुल स्टॉप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा, अगला तीसरा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनका यूज करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को एक बार फिर से जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, ब्लैंक है, ही वॉज टेनेसियस, ही रीच द गोल। टेनेसियस का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्पी, है ना, मजबूत इरादे वाला। तो यहां ये कह रहा है कि ही वॉज टेनेसियस, वो दृढ़ निश्चय था, वो मजबूत इरादे वाला था, ही रीच्ड द गोल, इसीलिए वो अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर पहुंच गया। तो हम लिखेंगे कि एज ही वॉज टेनेसियस, मतलब जैसे कि वो दृढ़ संकल्पी था, तो यहां पर हम एज का प्रयोग करेंगे, आप यहां पे लिखेंगे एज, ए एस, ओके, एज ही वॉज टेनेसियस ही रीच द गोल, मतलब पूरा सेंटेंस आपको यूं का यूं लिखना है और कुछ भी संशोधन नहीं करना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको यहां पे ए एस लिख देना है, ए एस एज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसके जो रिटर्न आंसर है ना, यहाँ पे जहां जहां आंसर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, तो ये विद आंसर से अगर आप इसकी ये जो पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेंगे, हमारे ऐप में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी आपको
ये ऐप ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमने जितने मॉडल पेपर्स बनाए हैं, जैसे हिंदी कंपलसरी के मॉडल पेपर, इंग्लिश के मॉडल पेपर, हिस्ट्री के मॉडल पेपर, ज्योग्राफी के मॉडल पेपर, पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर, उन सब मॉडल पेपर्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर मात्र 20 रुपये में हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक बार जरूर देखिएगा, मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न हमने ये मॉडल पेपर्स बनाए हैं। जैसा कि मार्केट में आप 100-100 रुपये में जो आपको मॉडल पेपर्स मिल रहे हैं, हम मात्र 20 रुपये में, 20 रुपये कोई बड़ी राशि नहीं है, मात्र 20 रुपये में हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स दे रहे हैं। निश्चित रूप से आपको एक बार जरूर देखने चाहिए। तो ये सारे मॉडल पेपर्स आपको 10 मॉडल पेपर्स इंग्लिश के मिलेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के 10-10 मॉडल पेपर्स हमने तैयार कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से, और साथ ही साथ बता दूं कि जो अगर आप डाउट आपके अगर क्लियर करना चाहते हैं, तो एवरी डे हमारी 8 बजे होती है लाइव क्लास। उस लाइव क्लास में हम अल्टरनेटिव डेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कभी हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट हम लाइव क्लास में भी पढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लाइव क्लास निश्चित रूप से ज्वाइन करिएगा शाम को 8 बजे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है रिक्त स्थान यहां पे, इट इज विंटर, वी फील कोल्ड। अब देखिए, हम सर्दी महसूस करते हैं, मतलब हमें ठंड लगती है, कब लगती है, जब सर्दी होती है। तो यहां पर लिखेंगे कि वैन है ना, देखो वैन है, अंटिल है, एज सुन एज है, तो हम लिखेंगे कि वैन इट इज कोल्ड, जब सर्दी की ऋतु होती है, वी फील कोल्ड, उस समय हमें सर्दी लगती है, ठीक है ना। वैन आएगा यहां पे, वैन इट इज विंटर, वी फील कोल्ड, ओके। तो यहां पे वैन भरिएगा। अगला है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, यू कैन, रिक्त स्थान यहां पे ब्लैंक है, योर वर्क विदाउट फियर, कैरी ओवर और कैरी ऑन, है ना। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, मतलब आप बिना किसी भय के अपने काम को जारी रख सकते हैं। तो आएगा कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ये सारे के सारे फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों को याद कर लेनी चाहिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप इंग्लिश में प्राप्त करना चाहते हो, जैसे ग्रामर है आपका, कंपोजिशन वाला सेक्शन है जिसमें आपके जो शॉर्ट कंपोजिशन, लॉन्ग कंपोजिशन, एवरीथिंग, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, हमने कंप्लीट कोर्सेज भी बना दिए हैं। ओनली 99 रुपीज में हम आपको पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट का कोर्स पूरी फुल वैलिडिटी के साथ अवेलेबल करवा रहे हैं। जरूर एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि यू कैन, तो आप यहां पे लिखेंगे कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, बिना किसी भय के आप अपना काम जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड सी अ गोल्ड रिंग कम बाय एंड कम राउंड। तो यहां पर आएगा कम बाय, ओके। हाउ डिड सी कम बाय अ गोल्ड रिंग, हाउ डिड सी कम बाय अ गोल्ड रिंग। नेक्स्ट है ही वेंट ब्लैंक है द रोम। अब देखिए यहां पर कोई व्यक्ति अगर बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर के भाग की तरफ अगर गति कर रहा है, जा रहा है, जैसे बाहर से रोम के अंदर जा रहा है, तो वहां पर इंटू का प्रयोग किया जाता है ना। बाहर से अंदर की तरफ जहां पर जाते हैं वहां पर इंटू का प्रयोग होता है। जैसे ही वेंट इंटू द रोम, मतलब वो कमरे के अंदर गया है ना, तो कमरे के अंदर गया तो इंटू आएगा। ही वेंट, वेंट का मतलब होता है जाना, तो ही वेंट इंटू द रोम। अगर मान लीजिए मतलब बाहर से अंदर की और गति हो रही है तब तो आएगा इंटू, और अगर अंदर ही अंदर गति हो रही है, जैसे कमरे के अंदर मान लो कोई व्यक्ति घूम रहा है तो वहां पर आता है इन, या कमरे के अंदर कोई व्यक्ति है तो वहां पर आता है इन, ठीक है। तो यहां पर जाने की स्थिति सो रही है कि वो गया, ओके, तो यहां पर आएगा इनटू। और अगला क्वेश्चन है कि द कैट जंप्ड, जंप्ड ब्लैंक है द टेबल ऑन और अपॉन। देखो दोनों का मतलब होता है ऊपर, ऑन का मतलब भी होता है ऊपर, अपॉन का मतलब भी होता है ऊपर, लेकिन जब गति हो रही है, यहां पर भी गति हो रही है, देखिए जंप करना मतलब कैट ने क्या किया कि टेबल के ऊपर जंप किया, तो नीचे से टेबल के ऊपर गई है ना, कैट ने नीचे से जंप किया है, तो नीचे से उसके ऊपर तक जाना, तो यहां पर गति हो रही है, इसलिए यहां पर आएगा अपॉन। देखो ओके, राइट आंसर रहेगा इसका अपॉन, ओके। अब देखिए ऊपर ही ऊपर अगर गति कर रही होती ना, या फिर ऊपर बैठी होती, या अगर गति कर रही होती टेबल के ऊपर ही होती, तब तो कोई बात नहीं, तब तो वहां पर ऑन आता, बट यहां पर जंप किया है तो यहां पर आएगा अपॉन, ओके।
चलिए, तो ये जो हमने कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस किए हैं और इसी तरीके के और वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपको हिंदी के मॉडल पेपर्स में आपको दे रहा हूँ, इंग्लिश के दे रहा हूँ, साथ ही साथ हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारे मॉडल पेपर्स कंप्लीट कर लिए हैं और उसके अलग अलग डेज में मैं आपको उसका अलग अलग भाग जो है वो आपको लेकर के आ रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा इंग्लिश का, उसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा सेकेंड पार्ट उसको लेकर के आएंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको इसमें बिल्कुल आपको अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस हम प्रोवाइड करा रहे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए। ध्यान रहे, शाम को लाइव क्लास 8 बजे होती है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।